गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरखपुर। और रात में हम लोग लेट से चेक इन किए थे। लेट से चेक इन करने का कारण तो आपको पता ही था कि रात में जो है क्या ट्रैफिक जाम लगा था यार। वो एक पुल था जिसके ऊपर जो है दोनों साइड से ना लोग पलड़ पड़े थे, उस साइड से भी इस साइड से भी, और वो सिंगल रास्ता था जिसके कारण जो है ना ट्रैफिक जाम हो रखा था। खैर कोई नहीं, ऑलमोस्ट 1-2 बजे के लगभग पहुँचे, 1 बजे के लगभग पहुँच गए थे यहाँ पे। उसके बाद फिर डाटा ट्रांसफ़र ये वो करते करते जो है 2-2.5 बज गया, तो इसलिए लेट से उठे। अब जो है रेडी हो चुके हैं, टाइम हो रखा है 12:30। अब निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल के लिए लगेज वगैरह भेज दिया हमने, सामान तो बिखेर दिया ही है, ये बैग बस लेकर के जाना है। फाइनल चेकअप का टाइम था तो फाइनल अब वो चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, उसके बाद फिर यहाँ से निकल लेंगे, कट लेंगे फटाक से, सो दैट कि हम लखनऊ टाइम पे पहुंच सकें। समझ रहे हो ना, टाइम पे पहुंचना है, इस बार लेट नहीं करना है। और कार्ड निकाल लेते हैं फिर नीचे जाके। ओके लो भाई, बंद कर लिया। अब चला जाए सीधे सीधे, चेकआउट करते हैं यहाँ से और फटाफट निकलते हैं लखनऊ के लिए। भाई ये लिफ्ट पुराने ज़माने वाला लिफ्ट नहीं लग रहा, बहुत हा एकदम से गड़गड़ बंद हो रहा है। कोई नहीं, चला जाए। ग्राउंड फ्लोर प्रेस कर दिया, देख लो लाइट भाई बिल्कुल रेड रेड जल रहा है, खुल जा सिम सिम। ऊपर भी देखो भाई, ये सब भी टूटा हुआ, पता ही नहीं चलेगा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। भाई का डेडिकेशन मानना पड़ेगा, कहाँ से खोज लिया आपने, मानना पड़ेगा भाई आपको। हमने तो कहीं स्टोरी में कुछ भी नहीं अपडेट किया था, बिल्कुल भी नहीं। तो फिलहाल सामान आ चुका है और गाड़ी में जो है अब सामान लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से लखनऊ के लिए। जिस समय आए थे उस समय सोचा था KFC ये वो पता नहीं क्या क्या खा पी लेंगे, लेकिन अब लेट इतना हो गया है कि अब कहीं कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं बचा। बस भाई आए हुए थे तो उनके साथ जाते हैं, वो लेके जा रहे हैं कहीं पे, कॉफी शॉप है कोई। गोरखपुर की कॉफी पियेंगे आज, गोरखपुर की। तो गोरखपुर की कॉफी पी जाएगी आज भाई। योगी जी यहाँ पे जो है वो है ब्रूस, ब्रूस द कॉफी बार। तो यहाँ चलते हैं और कॉफी पीते हैं, देखते हैं यहाँ गोरखपुर का कॉफी कैसा होता है। ये क्या चल रहा है भाई, प्यार 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 चल रहा है। नहीं भाई कॉफी आ गया अपना, भाई का तो आइस लाटे है ना, इसमें विदाउट शुगर विदाउट समथिंग। और यहाँ भाई अरे यार बह रहा है, कोई नहीं। लो भाई लो, आप लो ना। पूर्व सिटी से जो खा पी करके जो आप निकल रहे हैं भाई, हमें स्कॉट कर रहे हैं कि भाई आगे तक चलिए, आपको रास्ता दिखा देते हैं शॉर्टकट में, जल्दी से आप रास्ता पहुंच जाएंगे। और सामने दिखाई दिया आपको कुछ, ये देखिए दमदार बिरयानी गोरखपुर का। भाई ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में बिरयानी नहीं मिलती है, यहाँ पे भी बिरयानी का स्वाद लिया जा सकता है। यहाँ पे भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं भैया। ये साइकिल में डीजल कब से भरने लगे, ये नया साइकिल ईजाद हुआ है क्या भाई? तो साइकिल जब तक हटेगा नहीं तब तक कैसे। कुछ कराइए भैया इस साइकिल का, भरवाइए थोड़ा डीजल उजल। इतना माइलेज दे देता है भैया ये साइकिल? 70। बढ़िया है, तब तो यही लिया जाए। फुल टैंक का। सामने आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे मूविंग ट्रैफिक, अभी मूविंग हो गया है, नहीं तो इससे पहले तो रुके पड़े थे। ये देखो इधर से ऑटो वाले भैया घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हम जो है ना लेट से निकले हैं, तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि कहीं भी किसी भी शहर को छोड़ने का टाइम जो सही होता है ना वो 8 बजे से पहले का होता है। अगर आपने 8 बजे से पहले छोड़ दिया तब तो सब सही है, बिल्कुल तुरंत से हाईवे पे और आप खटाखट निकल लोगे। लेकिन अगर आपने डिले किया तो फिर नतीजा सामने ही है, धीरे धीरे फल वल खरीदते हुए आराम से झूमते हुए आप चलो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर 2 घंटे की जर्नी जो है आप 6 घंटे में पूरे कर लो, उसके लिए तो आपको रोड हमेशा ही आमंत्रण देता है। तो ऐसा है कि आज ना भाई एकदम स्लो मूड में चल रहे हैं भाई। 16 का एवरेज निकाल रही है गाड़ी, वही मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी का एवरेज भी 16 का आ रहा है, 16 जो कि 9.1 9.2 ऐसे करके चल रहा था। आज हम इको मोड पे 75 पे क्रूज डाल के चल रहे हैं, बताओ खतरनाक एवरेज निकाल रहा है ना। और भाई भी एकदम स्लो मोड में आराम से रामे मलंग सी ऐसे करके चल रहा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ ठीक है पहुंच तो जाएंगे ही ना, 200 किलोमीटर है, जाना कहाँ है भाई, लखनऊ ही तो जाना है, पास में ही है, कुछ करना तो है नहीं, आराम से। रोड भी एकदम शानदार प्लेन रोड है, कुछ करना नहीं, आराम से गाड़ी ऐसे करके चल रही है। पहले जो चल रही थी ऐसे 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 नागिन बन के ना, तो एकदम से ऐसे ऐसे समझ ही सकते हो, एकदम स्लो मोड में है आज जिंदगी, रेस्ट मोड, एकदम आराम से उठना है। उठे भी हैं 11-12 बजे भाई, उससे पहले उठे भी नहीं है, जबरदस्त है।
भाई देख रहे हो चमक रहा है बाल वाल एकदम बाल झाड़े नहीं ना हाथ से हाथ वाला कंघी यूज किए ये बहुत सही होता है पता है हाथ वाथ से ऐसे ऐसे कर लिया हो गया मतलब लड़का लोग तैयार कैसे होता है पता है दो चीज चाहिए पानी मिरर और हाथ इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हाथ से पानी वानी ऐसे ऐसे लगाया गया ऐसे ऐसे किया बाल से हाथ ऐसे किया बस हो गया और क्या मुंह में पानी मार लिए गमछा से पोछ लिए खत्म कहानी भाई यूपी के लौंडा लोग तो इतना ही में एकदम चौचक तैयार हो जाते हैं ना बाकी दिल्ली पहुंच करके कुछ और भी करा लेंगे सैलून में अभी फिलहाल लखनऊ जा रहे हैं कि पावन नगरी में जय श्री राम और ये अयोध्या की नगरी है भाई अयोध्या की नगरी में आते के साथ ही ये नदी का दर्शन हो रहा है क्या बात है भाई क्या बात है और पावन धरती पे आकर के तो मजा ही कुछ और आ रहा है बहुत ही खूबसूरत है ये नदी यार बहुत ही क्या लंबा चौड़ा है यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नजर जा रहा है भाई नदी ही नदी दिखाई दे रही है तो ऐसा नहीं है नदी में पानी की कमी नहीं लग रही है बहुत मस्त तरीके से भरा हुआ है और भाई ये पुल पे सीधे सीधे जाते जाना है अभी डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो 154 किलोमीटर से बहुत आराम से चल रहे हैं और उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि गाड़ी जो एवरेज दे रही है वो 16 का एवरेज दे रही है समझ रहे हो 3 लीटर के लगभग का इंजन है वो अगर 16 का एवरेज दे तो भाई उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है रुक गए थे कालिका हवेली में और अब चलते हैं कुछ खाना पीना खा लेते हैं भाई वॉशरूम पे गया हुआ है और वापस आता है फिर खाना वाना ऑर्डर करते हैं फिर खाना खा के फिर चलते हैं लखनऊ की तरफ लखनऊ के लिए निकलना है आज और जो यहाँ ऑर्डर हुआ है वो है चिकन तंदूरी सलाद और तंदूरी रोटी भाई और हरी चटनी के साथ जो वहाँ मिस हो रहा था हरी चटनी ना बिल्कुल ही मिसिंग था यार वो यहाँ अगर के हमारा जो है ना जीभ लपलपा रहा है जल्दी से खाते हैं भाई जल्दी से इतना ताबड़तोड़ खाया ना कि भाई देख रहे हो समझ रहे हो ना पेट वेट निकाल करके भाई एकदम जो है ना सांस फूंक करके पेट निकाल रहा है इतना खाना खाया बहुत अच्छा खाना था यार तो कालिका हवेली अगर इस रूट पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आकर के आप चिकन इन्जॉय कर सकते हो बहुत ही अच्छा होता है भाई हमने तो भाई एक प्लेट चिकन खाया नॉर्मली हम जो है 2-3 पीस लेकर के काम ख़त्म कर देते हैं लेकिन आज जो है एक प्लेट है तंदूरी बहुत मस्त है बिल्कुल बिल्कुल गन लेके आना पड़ा अभी भी भैया हाथ दिखा रहे हैं अच्छा गजब हो गया देखो दूसरी बार सटाया इन्होंने अभी भी हाथ दिखा रहे हैं 28 सेकेंड और ये पूरे 30 सेकंड हो गए ये वाला टोल तो नहीं देना चाहिए NHI का रूल है कि 30 सेकंड से ज़्यादा अगर हो जाए तो टोल नहीं देना है सॉरी 15 सेकंड से ज़्यादा अगर बूम बैरियर के पास खड़े हैं ना तो टोल नहीं देना है 15 सेकंड हाँ शायद 15 सेकंड या 30 सेकंड मैं कंफ्यूज हूँ लेकिन हाँ इससे ज़्यादा तो नहीं अभी भी देखो मंथन चल रहा है इनके बीच अभी भी मंथन चल रहा है अभी वापस है तीसरी बार गन लगा रहे हैं ये भाई साहब 1 मिनट 6 सेकंड लगाया इन्होंने बूम बैरियर के पास तो आप समझ सकते हो ये बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए है ना ये टोल हमारा माफ होना चाहिए एज पर NHI रूल लेकिन क्या करें हमें हड़बड़ी थी इसलिए हमने छोड़ दिया भाई बहुत ही फेमस लखनऊ का लुलू मॉल है लुलू मॉल बहुत नाम सुना था इसका आज देख भी लिया भाई आप लोग भी देख लो यही है लुलू मॉल अब दिखाई तो नहीं दे रहा है क्या है मॉल में स्पेशल क्या है स्पेशल अब आओगे तब ना दिखेगा ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या है स्पेशल भाई लखनऊ सिटी में आपका स्वागत है और ऑलमोस्ट बैंग ऑन टाइम है हम लोग 8 बजे का टारगेट था और ऑलमोस्ट 7:30 बजे के लगभग पहुंच ही गए
आधा घंटे का बफर रखा था हमने कि भाई आधा घंटे ऊपर नीचे अगर सिटी के अंदर भी पड़ा, लेकिन भाई सिटी के अंदर से लेके आया ही नहीं जीपीएस। बाबा आज जो है कमाल कर दिया, कभी कभी जीपीएस ऐसे फंसाता है और कभी कभी ऐसे निकाल देता है जैसे लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ। खैर कोई नहीं, आज हमें जल्दी भी पहुंचना था और लखनऊ सिटी में आकर के तो जबर ही लग रहा है ना यार, मतलब क्या डेवलपमेंट है ये। नया कलर लगवाए हैं दिवाली के उपलक्ष में। बाबा इनको पता चल गया था क्या तुम आ रहे हो? इतना सजावट किस बात का है? गलत लेन में तो नहीं आ गए? अरे भैया उधर लेना था। चलो कोई बात नहीं, अब तो आ गए। भाई कितना दूर से चलवाएगा तू? अरे बगल में है बे। बहुत ज्यादा बगल में नहीं है, इधर लगाते ना फच्चे से गाड़ी, फच्चे से। भाई यहाँ तुमको अच्छा कॉफी में पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट, और अब यहाँ से जो है अपना जर्नी यहीं खत्म होगा और फिर घर तक की जर्नी शुरू होगी। भाई यहाँ से अब एक दो दिन रुकेगा और हैवान वैवान को लेने के लिए आया है तो हैवान को लेकर के जाएगा अपना। चलो भाई मिलते हैं फिर। हाँ मिलते हैं ना जल्दी। हाँ हाँ बनाते हैं फिर अगला ट्रिप। अगला पहले तो दिवाली बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे ट्रिप बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो भाई गाड़ी से चलेंगे। हाँ ओके, अभी होटल पहुँच के फोन कर। ठीक है ठीक है ठीक, ओके बाय यार। लखनऊ एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। अब यहाँ पे लगेज चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी करते हैं, फिर बैठेंगे कहीं पे, कॉफ़ी पिया जाएगा और समय काटा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि और तो कुछ काम है नहीं अब अपने पास, सिर्फ यही काम एक रह गया है। तो भाई यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन वाला काम ख़त्म, अब चलते हैं और एक कॉफ़ी लेते हैं और कॉफ़ी ले करके बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है यार, बहुत ही टाइम है। हम टाइम से बहुत पहले हैं, ऑलमोस्ट 8 ही बजे हैं अभी तक। तो लेट्स हैव अ कॉफ़ी एट कोस्टा। कोस्टा दिख गया तो भाई एक कॉफ़ी ले लेते हैं, एक कैपेचिनो टेक अवे। और भैया ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ हो भैया कहाँ हो भाई। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10 और यहाँ पे सब बैठे लोग जो हैं वो चले गए हैं, हमारी फ़्लाइट अभी भी रेडी नहीं हुई है। मैंने सोचा चलो तब तक के लिए कॉफ़ी ले लेते हैं और बोलते हैं एक कॉफ़ी। भैया वहाँ पर बना रहे हैं, देखें स्ट्रॉन्ग बनाया है ना भैया? ओके शुगर एडेड नहीं है ना? ठीक है थैंक यू। तो क्या है ना कि इतना बोर हो गए हैं ना कि लिफ्ट से ऊपर नीचे कर रहे हैं। पहले ऊपर गए थे फिर अब नीचे जा रहे हैं, और वो क्यों? क्योंकि भाई ऊपर खाली पड़ा था, हम सोचे चलो नीचे चलते हैं, कुछ लोग बैठे होंगे तो वहाँ घूम लेंगे। अभी यार फ्लाइट के टाइम में अभी भी ऑलमोस्ट आधे घंटे के लगभग समय है, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। दो बार कॉफ़ी पी चुके हैं, आँख ऐसे खुल गया है, नींद नहीं आ रही है। सोचते हैं कोई काम नहीं मिलता है तो सफाई वाले भैया को ही चाट लेते हैं। इधर भी देखो भाई, इधर सिक्योरिटी वाले हैं, देखो यहाँ पे सफाई चल रही है, उन्हीं से बात बात कर लेते हैं। सो फाइनली आफ्टर करोड़ों साल के बाद जो है अब फ्लाइट बोर्ड करने के लिए मिल रहे हैं। टाइम ऑलमोस्ट देखो 11:45 मतलब 11:45 और वहाँ पे जो फ्लाइट आई है दिल्ली से वो संभाल लेने के लिए उतर गई। चले फिर यार, बहुत लेट हो गया, बहुत गलती हो गई, थोड़ा और पहले का फ़्लाइट लेना चाहिए था, बट रास्ते का पता नहीं होता है ना तो इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल जो है सो है भाई। पूरी फ्लाइट खाली है, पूरी बोले तो पूरी फ्लाइट खाली है, कहीं और ना लेके चला जाए। अरे भैया बैठे हैं आगे की सारी खाली। फाइनली लैंडेड, और दिल्ली में लैंड करते ही ना अपना अपना पुलाव फीलिंग आ रही है। सेम वो फीलिंग है ना जैसे भूटान से निकल करके इंडिया में आए तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने अपने वाले फीलिंग है, उसी तरह यहाँ पे भी ना यार दिल्ली में आते के साथ ही लग रहा है जैसे आह ये अपनी जगह है भाई, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कहीं भी कुछ भी कर लो, मतलब करना तो कुछ नहीं है लेकिन आप फिर भी वो अपनी वाली फीलिंग आ जाती है ना। फाइनली लगेज मिल गया और
अब निकलते हैं यहाँ बाहर, वे आउट निकास एग्जिट करते हैं, एंड एग्जिट करके फिर कैब लेते हैं भाई फटाफट। भाई हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। देखो यहाँ पे अभी से सेलिब्रेशन शुरू हो गया, और क्यों ना हो यार, टाइम दिवाली का आ चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया है, अब बस एक दो दिनों में जो है यहाँ पे जो है तांता लगने वाले हैं लोगों के आने जाने की। अब हम वेट कर रहे हैं, ओला पिकअप पॉइंट है ये, और अपनी गाड़ी का नंबर देखते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं कौन सा नंबर है, कौन सी गाड़ी है भाई, पहले वो चेक करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई यहाँ पहुँचे हैं और गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो, तो अब कल सुबह वापस आ करके जो है इसको दिखाना पड़ेगा। चलते हैं वापस से कैब लेकर के घर को यार। तो वापस से कैब में बैठ करके गुड़गांव से घर की तरफ निकल रहे हैं। मैंने सोचा था एयरपोर्ट से जा करके डायरेक्ट जो है गाड़ी पिकअप करता हूँ और गाड़ी पिकअप करके सीधे घर निकल जाएंगे, बट यहाँ आया तो एक अलग ही श्यापा हो रखा था, गाड़ी स्टार्ट हुई ही नहीं भाई। और क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, वो आपको कल सुबह बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज के एपिसोड को यहीं पे करते हैं समाप्त। और भूटान ट्रिप से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल थे, उन सारे सवालों का जवाब जो है आने वाले एपिसोड्स में होगा। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं उस समय इन रनिंग जो था, चीज़ें चल रही थी तो उस समय बता नहीं पाया था। मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ों को जो है आने वाले एपिसोड में, इसके जस्ट बाद जो एपिसोड आएगा, जो बजट एपिसोड होगा, उसमें मैं बताऊंगा। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। करते हैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।